स्टॉक मार्केट आखिर क्या है? ये स्टॉक मार्केट वॉरेन बफेट, राकेश झुंझुनवाला, विजय केडिया, आपने ऐसे कई नाम सुने होंगे जिन्होंने स्टॉक मार्केट से हजारों करोड़ों रुपए बनाए। आखिर उन्होंने कैसे इसमें इन्वेस्ट करके पैसा बनाया होगा, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द हंगामा फिल्म्स में। मैं हूं पवन MB और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट एक्चुअल में है क्या, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही है, और अगर सही है तो कितने रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा इसमें रिटर्न्स कितना आता होगा एनुअली, और अगर ये सब सही है इन्वेस्टमेंट करने के बाद तो इसका प्रोसेस क्या है। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में क्या है स्टॉक मार्केट। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक चंदू चाय वाला है जो चाय की दुकान चलाता है अपनी, उस दुकान से उसको काफी ज्यादा मुनाफा होता है और वो चाहता है कि उस दुकान को काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में बढ़ा सके, यानी कि क्या कर सके, नई नई अपनी ब्रांचेस खोल सके। अब उसको नई ब्रांचेस खोलने के लिए जितना पैसा चाहिए उसके पास उतना पर्याप्त पैसा नहीं है, लेकिन वो जानता है कि अगर इसको बढ़ा लिया जाए तो जितना वो इस समय प्रॉफिट कमा रहा है, अगर वो अगली 10 ब्रांच खोल ले तो उतना ही 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट तक वो कर सकता है। तो इसी उम्मीद में वो अपने इस आइडिया को, बढ़ाने के आइडिया को पब्लिक तक लेके जाता है और पब्लिक में वो आइडिया देके उनसे पैसा कलेक्ट करता है। तो जो वो पैसा कलेक्ट करता है उसके अगेंस्ट में वो पब्लिक को क्या देता है, अपनी कंपनी के कुछ टुकड़े जिनको हम शेयर बोलते हैं। जी हाँ, इसी को बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा। अब जैसे पब्लिक ने चंदू चाय वाली की कंपनी में जो पैसा लगाया उसके अगेंस्ट में उसको 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से मिला उनको, हर किसी को। अब उस शेयर का भाव जैसे जैसे बढ़ेगा उस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ होगी। आज हमने 10 रुपए का वो शेयर लिया है, कल जब वो 15 रुपए का हो जाएगा तो और पब्लिक उसको लेना चाहेगी तो उसका भाव 15 रुपए के हिसाब से मिलेगा। और अब चंदू चाय वाले की बढ़ती सफलता को देखते हुए जो उसका पहला शेयर 10 रुपए का मिल रहा था, आज वो 15 रुपए का मिल रहा है और लोग उसको उस 15 रुपए के भाव में भी खरीदने को तैयार है। इसी तरह से चलती है स्टॉक मार्केट, जिसमें डेली बेस पे हजारों करोड़ रुपए के शेयर डेली बेस पे खरीदे जाते हैं और बेचे भी जाते हैं। और जिस तरह से फलों और सब्जियों को गोदाम में रखा जाता है और मार्केट में लाके बेचा जाता है, उसी तरह से स्टॉक को डीमैट अकाउंट में स्टोर किया जाता है और ट्रेडिंग के जरिए खरीदा और बेचा जाता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन, तो क्या इन्वेस्टमेंट करना सही है? तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल सही है, और अगर ये सही है तो आप कितने रुपए से इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल 1000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे करके इसको बढ़ा के अपना पोर्टफोलियो को बड़ा कर सकते हैं। तो अब तीसरा क्वेश्चन, अब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर रिटर्न कितना आता है? FD में तो हमें 6.5-7% के रिटर्न मिलते हैं, लेकिन देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर आपको रिटर्न्स अनलिमिटेड है। अगर आपने टाटा मोटर्स के अंदर पिछले 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपको उसके रिटर्न्स लगभग 56% के मिलते। अगर आपने 1 साल पहले सुजलोन में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपके वो रिटर्न्स 126% के होते। तो इसमें रिटर्न्स अनलिमिटेड है, लेकिन हाँ कई कई कंपनियां ऐसी भी है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसमें नेगेटिव रिटर्न्स भी हैं। तो आपको स्टॉक को सिलेक्ट करते समय ये ध्यान रखना है कि उन्हीं स्टॉक को सिलेक्ट करें जिसमें आपको उम्मीद हो कि ये कंपनी आप जानते हैं और इसके फंडामेंटल्स को आप जानते हैं और आप उसकी ग्रोथ को भी समझते हैं। तो अब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन ये समझना चाहते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। तो देखिए प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए क्या करना पड़ता था, एक बड़ा सा फॉर्म साइन करना पड़ता था, आधार कार्ड पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती थी और फिर कुछ 3-5 दिन के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट होके फिर आप ट्रेड कर सकते थे, स्टॉक को परचेज कर सकते थे। और अब सब ऑनलाइन हो चुका है तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऑनलाइन अपडेट करना है, कुछ डिटेल्स अपनी फिल करनी है, आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक कराना है और सिर्फ 1-2 दिन के अंदर आपका डीमेट अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि किस कंपनी का डीमेट अकाउंट खुलवाना सही है। देखो आपने नाम सुने होंगे जरोदा, एंजल वन, पेटीएम मनी, ऐसे कई नाम आपने सुने होंगे। देखिए मैं जो प्रेफर करता हूं वो पेटीएम मनी का डीमेट अकाउंट प्रेफर करता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि पेटीएम मनी के साथ डीमेट अकाउंट खोलें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसको आप क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो देखिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और शेयर करना। ओके, टाटा बाय बाय।